वजह तो नहीं। ये तो अल्लाह पाक दे कुरान ने कहा, जिस दिन अल्लाह पाक ने आसमाना ते जमीना दी तखलीक फरमाई उसी दिन अल्लाह पाक ने साल दे 12 महीने बनाए, उन्हां विचों 4 महीने हुरमत वाले। हुण 12 महीनों दे नाम कुरान अंदर वाजे नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुरमत वाले 4 महीनों दे नाम दसे। 12 महीनों दे नाम आसमान तो नादल नहीं होए, बल्कि लोगों ने अपने अपनी बोली अपने अपने इलाके के हिसाब नाल उन्हां दे नाम रखे। जैसा कि अंग्रेजा ने नाम रख रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। साढ़े इंदो पाक अंदर देसी महीने पो, मांग वगैरह। अरब इलाकों के अंदर ये नाम रखे गए रबीउल अव्वल, रबीउल सानी वगैरह, ये सारे इस्लामी नाम। जदों ये नाम चलते चलते आए, चूंकि अरब लोगों ने इन्हां दे नाम रखे मौसम के एतबार नाल। तफसील विच नहीं जाना चाहता, मिसाल देना। जैसा कि जमादाउल अव्वल, जमादाउल आखिर, ये 2 महीने शिद्दत की सर्दी में आए और उस वक्त बर्फ जमदी सी। अरब लोगों ने दा नाम रख दिता जमादाउल अव्वल। आमतौर पर लोग जमादी पढ़ते हैं, लफ्ज जमादा। जमादा उल अव्वल का मान है बर्फ के जमन का आगाज शुरू। दूसरा महीना जमादा उल आखिर, बर्फ के जमन का आखिर। यानी इस तरीके नाल मौसम के एतबार नाल, माहौल के एतबार नाल उन्होंने इन्हां दे नाम रखे। चलते चलते दौर नबी अलैहिस्सलाम का आया, जदों आप दी जबान तो इन्हां 12 महीनों का नाम जिक्र होया तो मोहर लग गई, बन गए इस्लामी महीने। इन्हां दे विचों 4 महीने हुरमत वाले रजब, ज़िलक़ादा, ज़ुलहज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुरमत वाले महीने। इन्हां दे अंदर जंगो जदाल, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद हर किस्म दा ममनू है। समईनो समयात मुसलमान ते मुसलमान रहे। इन्हां महीनों का तकद्दस एहतराम गैर मुस्लिम भी करया करते सन। जैसा कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक वफद आया, आके कहन लगे अल्लाह दे प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जी, या हजरत असी तुहाडे कोल आम महीनों च नहीं हाजिर हो सकते, सिर्फ हुरमत वाले महीने चाहवांगे, खुसूसन रजब, चूंकि साडे और तुहाडे दरमियान रस्ता जिहड़ा पैंदा है उस रस्ते दे उत्ते कबीला आबाद है बनु मुजर दा कबीला, शिद्दत पसंद काफिर। और बाकी महीनों में सानू नुकसान देंदे ने, हुरमत वाले महीनों विच जरा हुरमत दा लिहाज रखदे आ, लुटदे नहीं, मारदे नहीं, इस वास्ते असीं इस महीने जा सकते हैं। यानी साबित होया कि काफिर लोग भी इन्हां महीनों का तकद्दस एहतराम करदे। एक होर रवायत, अल्लाह पाक दे सोहने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले मक्का मुकरमा तो हिजर करके मदीना आए, अल्लाह पाक ने सोहने पैगंबर नूं इजाजतां दे दित्तियां, सोहणिया काफरां नाल लड़ाई कर, इन्हां दा माल तुहाडे वास्ते माले गनीमत हलाल है। इमामे कायनात नूं पता चल गया, मक्का मुकरमा तो तजारती काफला शाम रवाना हो गया, मक्के वाले मुशरकां दा। इमामे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जखश रजी अल्लाहु तआला अन्हु इन्हां नूं बुलाया, इन्हां दी अमारत दे अंदर 7 बंदियां दा गिरोह भेजिया, एक खत दे दिता है। सरकार फरमांदे ने फलां मुकाम तो पहले पहले तुसा खातमू पढ़ना नहीं। आखिर सहाबा चल पैंदे ने अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर दे फरमान दे मुताबिक जिहड़ा दसी मंजिल टिकाना उथे पहुंच जांदे ने। उस मंजिल ते पहुंच के ते खातमू पढ़दे ने। प्यारे पैगंबर ने उत्ते लिखवाया है अब्दुल्ला ते इन दे साथियो मैनू पता चलिया के मक्के वालियां दा तजारती काफिला चल पिया है ते मैं तुहानू आर्डर देना के ताइफ और मक्के दे दरमियान नखला आबादी है उथे पहुंच जाओ ते कात लगा के बैठो। जदों मक्के वालियां दा काफिला गुजरे सानू दी इत्तला करो के काफिले नू लुट लईए। जिस वेले सहाबा नखला ते पहुंच जांदे ने नखला पहुंच के ते ना पड़ाओ डाले आए कात लगा के बह जांदे ने। इधर काफिला मक्के वालियां दा तजारती सामने आ जांदा है। हजरत नबी पाक दे प्यारे परवाने हजरत वाकिद रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ने देखिया काफिला आया ते काफिले में बहुते बंदे नहीं सिर्फ चार बंदे ने ते दिल अंदर कहंदे ने कि नबी पाक नूं इहदी इतला की करनी असीं आप ही इहनूं काबू कर लैने आ। हजरत वाकिद ने तीर चलाया उस काफिले दे नाल चार बंदे ने उन्हां दे विचों काफिरां दा बंदा अमर बिन हजरमी मौके ते कतल हो गया। एक बंदा मक्का दौड़ के चला जांदा है। हुण दो बंदे ते मेरे पैगंबर दे परवानियां ने इन्हां दे दो बंदे गिरफ्तार कर लेने और बाकी माल लैके ते प्यारे पैगंबर को चले जांदे ने। मक्का मुकरमा खबरां तुम गईयां उंज ते कहंदा मैं अल्लाह दा नबी हां पर हुरमत वाले महीनियां दा भी एहतराम नहीं करदा। बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा। जमा होकर रसूल अकरम इस्लाम दे कोल आए आके कहंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू ए ते दसना तू कहना मैं अल्लाह दा पैगंबर हां ए ते दसना यसअलूनक अनिश शगरिल हराम। सोने पैगंबर अल्लाह पाक दे पैगंबर ते अल्लाह पाक ने कुरान उतार दिता है। सोनिया तेरे तो हुरमत वाले महीनिया दे बारे सवाल कर देने सवाल की कर देने कि तालिन फी दसो इन्हां दे लड़ना कैसा है लड़ना जायज है के न जायज है लड़ना सवाब है के गुनाह में। ए सोनिया तुसी कह दियो कुल के तालुन फीख कबीर फरमाया हुरमत वाले महीनिया विच लड़ना गुनाह में। सोनिया तू इतराफ कर लै के गुनाह में लेकिन इन्हां नू नाल ए भी बात समझा दे वसद्दुन अन सबीलिल्लाह हुरमत आले महीने में लड़ना गुनाह एदा ते तुहानू पता चल गया है गुनाह ने लेकिन बाकी गुनाहां दा तुहानू क्यों नहीं पता चलिया। जैसा कि वसद्दुल अन सबीलिल्लाह अल्लाह दी राह तो लोकां नू रोकना भी ते गुनाह में। जे इधर तुहानू हुरमत वाले महीनियां दे एदा गुनाह ते तुहानू याद आ गया है हुरमत वाले महीनियां दे लड़ना गुनाह में ए ते तुहानू याद आया है क्योंकि तुहाडे कलेजे नू हथ पिया तुहाडा काफिला लुटिया गया तुहानू गुनाह नजर आया है लेकिन बाकी गुनाह तुहानू नजर क्यों नहीं आए। वसद्दुल अन सबीलिल्लाह अल्लाह दी राह तो लोकां नू रोकना भी ते गुनाह में। तुसा रोके आए हजरत बिलाल अल्लाह दी राह ते चलदे ने तुसा रोकिया ते गुनाह कीता है। हजरत अम्मार अल्लाह दी राह ते चले ने तुसा रोकिया ते गुनाह कीता है। हजरत यासर अल्लाह दी राह ते चले ने रोकिया ते गुनाह तुसा कीता। हजरत शमीया अल्लाह दी राह ते चलिया तुसा रोकिया ते गुनाह कीता। वसद्दुल अन सबीलिल्लाह अल्लाह दी राह तो रोकना भी ते गुनाह में। वा कुफरुम बेही अल्लाह नाल कुफर करना भी ते गुनाह में ए भी गुनाह तुसी कर दे हो। वल मस्जिदिल हराम हराम ते अल्लाह मस्जिद हराम तो लोकां नू रोकना ए भी गुनाह में ए भी तुसी कर दे हो वा इखराजु अखलगी मिनहु अकबरो इंदल्लाह और मक्का मुकरमा दे बासियां नू एक ना दे घरां चो मजबूर करके निकाल देना ए भी गुनाह में ए भी तुसी कर दे हो। यानी मेरे प्यारे महबूब पैगंबर नू अल्लाह ने तालीम दिती है सोनिया ए भी तराफ कर ले और मताले महीने वे लड़ना गुनाह में ए ते सी मन्ने आ गुनाह में लेकिन बाकी गुनाहां नू तुसी भी मान लो। मेरे प्यारे महबूब पैगंबर दे परवानियां ने जेड़ा इस काफले ते हमला कीता उन्हां नू गलती लगी। गलती की लगी उन्हां समझिया शायद जमादा उल आखर दी आखिरी तारीख है। उन्हां नू पता ना चलिया ते रजब चढ़ आया सी, हमला रजब विच होया गलती ना भलेखे नाल साहब नाल। यानी हुरमत आला महीना रजब विच हमला होया ते काफरां ने प्रोपेगेंडा करना शुरू करता। सिहाबा को गलती नाल हमला हो गया, उन्होंने अपने दिलो जमातल आखिर दी आखिरी तारीख समझ के हमला किया। यानी इस वाक्या तो भी साबित हो गया कि काफिर भी हुरमत आले महीनियां दा तकद्दुस ते एहतराम करया करदे ने। आओ मुसलमानों माओ ते भैनो तुसी भी इस बात ते गौर करदे जाना, हुरमत आले महीने दा एहतराम करना है, हुरमत वाले महीने दा एहतराम करना है, लेकिन मैं ये भी नाल नाल कवांगा एहतराम दी आड़ अंदर नवियां नवियां बिदतां ईजाद नहीं करनियां। असल गल आ दे एहतराम दा मैं कायल हां, बल्कि दावत देना, बल्कि लोकां नू दावत देना, पुकारना एहतराम हुरमत वाले महीने अदा करो। पर जेड़ा एहतराम दी आड़ अंदर बिदात नू ईजाद करना एदे बारे दरखास्त करांगा अल्लाह तो डरो। लो मैं सब तो पहले एहतराम दे बारे गुजारिश करा। एहतराम की एहतराम एवे के मुहर्रम दे महीने वे लड़ाइयां ते झगड़े ना करना, फितना फसाद ना करना, गाली गलोच ना देना हुरमत आले महीने दे अंदर। और जनाब ए मुहर्रम दे एहतराम दी बात होन लगी है। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर एदा इना एहतराम करया करदे ने। बुखारी विच आंदा है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला बयान करदियां ने कि मक्का मुकरमा दे अंदर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का मुहर्रम दी 10वीं तारीख दा रोजा रखिया करदे सन। मुहर्रम दी 10वीं तारीख दा रोजा रखिया करदे जिस वेले अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर हिजर करके मदीने विच आ जांदे ने। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह नो बयान करदे ने मदीने विच आके की देखदे ने मदीने वे यहूदी भी एदा रोजा पे रखदे ने। सोने पैगंबर ने यहूदियां नू पुछया तुसी 10 मुहर्रम दा रोजा क्यों रखदे हो? ओ जवाब की देंदे ने हाज़ा यौमुन अज़ीम, हाज़ा यौमुन सालेहुन, हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इस्राईल मिन अदुव्विहिम फसामहु मूसा। हजरत जी असीस दा रोजा इस बात रखने 10 मुहर्रम दा दिन बड़ा अजीम दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। इस दिन में अल्लाह पाक ने फिरौन ते ओदी आन नू दरिया वे गर्क कर दिता है। हजरत मूसा ते उन्हां दे साथियां नू नजात दिला दिती है। हजरत मूसा पैगंबर ने अल्लाह दा रोजा शुक्रिया दे तौर ते अल्लाह दे वास्ते रोजा रखिया। हजरत जी हजरत मूसा ने रोजा रखिया, असी भी रखने सोने पैगंबर फरमांदे ने आना आ हक को बे मूसा मिलकुम। सोने पैगंबर फरमांदे ने, आप फरमांदे ने मैं तुहाडे नाल मूसा दा बहुता हकदार हां। हजरत दे फरमान ते गौर करिया जे, नबी पाक दे फरमान चो पता ए चलदा पिया, हालांकि प्यारे पैगंबर ते मक्के विच भी एदा रोजा रखिया करदे सन। इथे मेरे पैगंबर ने ए बात क्यों कही है, अना अहक्कु बे मूसा मिलकुम। फरमाया जे तुसी मूसा अली सलाम दी वजह तो रोजा रखदे हो ते फिर तुहाडे नाल मैं मूसा नबी दा ज्यादा हकदार हां। ओ भी अल्लाह दा नबी, मैं भी अल्लाह दा नबी, मेरा हक बहुता के मैं रोजा रखा। इथों मालूम हुंदा कि नबी पाक अली सलाम ने यहूदियां नू करीब करने वास्ते ये कलिमात अदा फरमाए ताकि यहूदी मुतासर होणगे कि साडे नबी नाल प्यार करदा ते मेरे करीब होके मेरी बात सुणनगे। वक्त गुजरदा, नबी पाक ने रोजा रखिया, सहाबा नू आर्डर दिता रखो, रोजा फर्ज हो गया अशूरे दा। लेकिन जिस वेले अगो एक दो साल गुजरते ने ते अल्लाह पाक ने रमजान दे रोजे फर्ज कर दिते ने। जिस वेले रमजान दे रोजे फर्ज हो जाते ने, अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमांदे ने, जिदा दिल करदा अशूरे दा रोजा रखे, जिदा दिल करदा ए ना रखे। यानी अशूरे दा रोजा नफली बन गया। फिर इहदे तो बाद अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब पैगंबर नू पता चलिया। कदों पता चलिया, जदों प्यारे पैगंबर ने यहूदियां दियां गद्दारियां देखियां। यहूदी जगह जगह ते मुसलमानां नाल गद्दारी पे करदे ने, धोखा पे करदे ने। मेरे पैगंबर यहूदियां तो इन्ने मुतनफर होए कि अक्सर कम्मां विच यहूदियां दी मुखालफत करिया करदे सन। जैसा कि मैं एक दो मिसालां देना। नबी पाक ने फरमाया, तुहानूं मैं पहला आर्डर दिता सी, जनाजा आउंदा होवे वेख के खड़े हो जाओ। अबू दाऊद चाहता है, मुस्लिम अहमद दुआ चाहती रिवायत। अल्लाह पाक दे सोने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, फरमाया मैं तुहानू पहले आर्डर दिता सी, जिस वेले जनाजा वेखो ते वेख के खड़े हो जाया करो। हजरत आप भी खड़े हो जाया कर दे। हत्ता कि एक मरतबा यहूदी दा जनाजा आया, मेरे पैगंबर फिर भी खड़े हो जाते ने। सियाबी पुछन वाले ने पुछया, हजरत जी ये ते यहूदी दा जनाजा, आपने फरमाया मैयत है ना, भावे यहूदी दी मैयत है ना। लेकिन एक वेला आया के प्यारे पैगंबर नू पता चलिया यहूदी भी मैयत नू वेख के खड़िया हो जाते ने। सरकार फरमांदे ने, मैं तुहानू ऐलान करना वा, तुहानू मैं आर्डर करना वा, पहला मैं तुहानू क्या सी जनाजा वेख के खड़िया होया करो, हुण मैं आर्डर करना कि जनाजा देख के खड़िया नहीं होना। यहूदियां दी मुखालफत कर दिया। होर भी कई काम ने, तफसीली गुफ्तगू फिर किसी ने। अज रजे मैं मौजूद पर बात करना चाहना, इंशाअल्लाह किसी वक्त मेरे भाई इमरान साहब ने याद कराया ना, फिर मैं पूरा मौजूद बयान करांगा केड़े केड़े कम्मां में यहूदियां की मुखालफत करनी है, किस तरह करनी है। अज जो मैं अर्ज कर रहा हूं, त्याओ यानी अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियां दी अक्सर कम्मां वे मुखालफत करिया करदे ने, मुखालफत इन्हां दी करिया करदे ने। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर नू पता चल जांदा है, यहूदी इह दिन नू ईद मनांदे ने ते सरकार फरमांदे ने, यहूदी इह दिन ईद मनांदे ने, तुसीं इह दिन दा रोजा रखिया करो। फिर अगला साल आया है, सोने पैगंबर नू हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह नो बयान कर देने, प्यारे पैगंबर नू पता चलिया यहूदी 10 मुहर्रम वाले दिन रोजा रख के ते ईद मनांदे ने, अपनियां बीवियां नू सेवर पहनांदे ने, लिबास पहनांदे ने, शहरो तफरी ते जांदे ने, रोजा रख के ते ईद मनांदे ने। हुण सोने महबूब पैगंबर ने फरमाया, आप फरमांदे ने, मेरे सोने पैगंबर फरमांदे ने, आपने फरमाया ऐंदा साल लवे ना, ऐसा साल सुमन तासिया, मैं 9 का भी रोजा रखांगा। असी 9 का भी रोजा रखांगे। और दूजी इस रिवायत दे आखिर ते मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहे हैं। इमाम कायनात फरमांदे ने, ला इन बकी तो अगर मैं जिंदा रहा ऐंदा साल तक जिंदा रहा, जे मैं ऐंदा साल जिंदा रहा ला आसूमन तासिया। प्यारे पैगंबर फरमांदे ने जे मैं ऐंदा साल जिंदा रहा मैं 9 मुहर्रम दा जरूर रोजा रखांगा। हजरात मेरी माओ ते भैनों ते भाइयों गौर फरमांदे जाना, मेरे पैगंबर पहला कल्ले 10 दा रोजा रखिया करदे ने, हुण जदों पता चलिया कि यहूदी भी रोजा रखदे ने, खुशियां भी मनांदे ने, सोहणे पैगंबर ने इन्हां दी मुखालफत करनी है। अगर मुखालफत करदे आ 10 मुहर्रम दा रोजा छोड़ दे एदा सवाब फौत हो जाना सी। एदा सवाब की है अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब पैगंबर फरमांदे ने सियाम यौम अशूरा अख्तसिबु अल्लाह अयो कफिर सनता अल्लती कबलहू। प्यारे पैगंबर फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा अशूरे दा रोजा रखेगा फरमांदे ने मैं उम्मीद करना वा अल्लाह पाक ओदे एक पूरे पिछले साल दे गुनाहां नू मुआफ कर देवेगा। किड्डा वड्डा इनाम, 1 रोजा साल दे गुनाह मुआफ। तबरानी कबीर विच आउंदा सही सनद दे नाल अल्लाह दे सोहणे पैगंबर दा फरमान। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह नो बयान करदे ने सोहणे पैगंबर फरमांदे ने फरमाया इन इश तो एला सोहणे पैगंबर फरमांदे ने अगर मैं ऐंदा साल तक जिंदा रहा इन इश तो एला बेले फरमाया जे मैं ऐंदा साल तक जिंदा रहा सुमत तासिया मैं 9 दा भी रोजा रखांगा। क्यों रखांगा? मखाफतन अय्या फूतनी यौम अशूरा। फरमाया इस गल तो डरदिया होया किते अशूरे दा सवाब मेरे तो फौत न हो जावे। यानी इतना मतलब समझो प्यारे पैगंबर ने यहूदियां दी मुखालफत करनी है। जे मुखालफत में 10 दा रोजा बिल्कुल तरक कर देंदे फिर अशूरे दा सवाब फौत हो जाना सी, अशूरे दा सवाब नहीं सी मिलना। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस गल तो डरदिया होया और 9 दा भी रोजा रखांगा ताकि 9 दा रोजा रखिया यहूदियां दी मुखालफत हो जावे और 10 दा रोजा रखिया अशूरे दा सवाब मिल जावे। इस वास्ते मेरी माओ ते भैणो असां जदों भी रोजे रखने ने 2 रखने ने 9 दा रोजा रखना नबी पाक दी तमन्ना दे मुताबिक यहूदियां दी मुखालफत दी अंदर और 10 दा रोजा रखने के अल्लाह पाक एक साल पिछले बे गुनाहां नू मुआफ कर देवेगा। मैं थोड़ी जी इत्थे वजाहत कर देवां, मैं भी मौकफ अपनाया सी, होर भी कई उलमा ने मौकफ इस तो पहले अपनाया, कईयां दा हुण भी है कि रोजा सिर्फ 9 दा 10 दा नहीं। मेरा भी मौकफ है सी, लेकिन कल मेरिया नजर अंदर ऐ तबरानी दी हदीस गुजरी जिहड़ी मैं हुण तुहाडे सामने पढ़ी है मखाफतन अन यफूतनी यौम अशूरा। इस तो पहले हदीस मेरिया नजरत ना गुजरी, कल पढ़ी मसले दी समझ आ गई कि नहीं रोजे 2 ने 9 दा भी और 10 दा भी। हजरत इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने उन्हां दा भी होर भी कई सहाबा जदों उन्हां दा किसी ले किसी मसले दे अंदर गलती लग जांदी जदों हक उन्हां दे सामने आ जांदा वो इस नहीं सन समझते हूँ अगर लोगों के सामने इतराफ किया मेरी बेइज्जती होएगी ना, फौरन हक कबूल कर लेंदे। इस वास्ते मैं इस बात पर गलती वेसा, सही बात है वे कि 9 और 10 दा रोजा तो अर्ज कर रहे हैं ये रोजा रखो, ये है रमजान का एहतराम। तो मैं ये बारे फिर अर्ज किया अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी तज़ीम करो मौला फरमान। इनू मैं अल्लाह का महीना मैं नहीं कह रहा, नबी पाक ने कहा, किथे कहा मुस्लिम विच आउंदा है सोने पैगंबर फरमांदे ने अफज़लुस्सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। इमाम कायनात इस्लाम इरशाद फरमांदे ने रमजान तो बाद सब तो अफजल रोजा है ते अल्लाह दे महीने मुहर्रम दा। यानी मुहर्रम दे महीने नू नबी पाक ने अल्लाह दा महीना क्या शहरुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर ने एनू अल्लाह पाक दा महीना कह दिता है। अल्लाह दा महीना कह एदा तर्जमा पे इस तरह लिखिया है अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी तज़ीम करो मौला फरमान। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी तज़ीम करो मौला फरमान। आसमान ते जमीन जद तखलीक फरमाए सन साल दे महीने मौला बारह बनाए सन इना विचो चवा ताई दिता एहतराम। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी ताज़ीम करो मौला फरमान। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम अल्लाह खातर एदी जदों करोगे ताज़ीम। अल्लाह खातर एदी जदों करोगे ताज़ीम तो जहन्नम विच देवे मौला इज्जत अजीम। अल्लाह खातर एदी जदों करोगे ताज़ीम तो जहन्नम विच देवे मौला इज्जत अजीम। झगड़े लड़ाइयां सारे कर दे जाम अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी ताज़ीम करो मौला फरमान। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम रखे आखा विच एदे अमन दराज रखी आखा विच एदे अमन दराज काफरा भी इस दा कीता है लिहाज। रखी आखा विच एदे अमन दराज काफरा भी इस दा कीता है लिहाज। पर मुसलमान तोड़िया है अमन अमान अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम। बाद रमजान एदे रोजे दा सवाब बाद रमजान एदे रोजे दा सवाब साल दे गुनाह मौला कर देंदा मां। बाद रमजान एदे रोजे दा सवाब साल दे गुनाह मौला कर देंदा माफ। रख दे हमेशा रोजा नबी सुल्तान अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम। रोजा आशूरे दा पहले 10 नु सियाम बाद विच आका कीता 9 दा भी ऐलान और 9 ते 10 दा तुसी रखो मुस्लिम तमाम 9 10 दा रखो मुस्लिम तमाम। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी ताज़ीम करो मौला फरमान। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम एहतराम ओ जो शरीय समझांदी है एहतराम ओ जो शरीय समझांदी है कईयां ताईं फिर भी समझना ही आंदी है अपने कोलों काढ़दे ने नई नई कलाम। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम मुहर्रम ताई सोग दा महीना बना लिया मुहर्रम ताई सोग दा महीना जे बना लिया नचन टप्पन साज वाजा बंद करा लिया। पर बिदता नु कर दिता पहले तो बियाम पर बिदता नु कर दिता पहले तो बियाम। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम इस दी ताज़ीम करो मौला फरमान। अल्लाह दा महीना है मुहर्रमुल हराम। हजरात जड़ी बात दसना मैं चाहना वा कि अल्लाह पाक दा मुकद्दस महीना हुरमत वाला मुहर्रम हराम है एदा तकद्दस ते तराम पूरा पूरा कीता जावे। लेकिन मैं अर्ज कीता तराम दी आड़ अंदर बिदात नू इजाद ना कीता जाए जैसा कि कई लोगों ने एहतराम दा नाम दे के बिदात इजाद कर लिया। मिसाल दे तौर ते रमजान मुहर्रम दा महीना चढ़ पे आए मुहर्रम दियां पहलियां तारीखां तो कई लोकां ने जुतियां पैरां वे पानियां छोड़ दितियां नंगी पैरी चलना शुरू करता चार पाइयां उल्टियां कर दितियां बर्तन पुट्ठे कर दिते। की गल है जी ये सोग दा महीना सामिया तो समय तवज्जो फरमाया जे बुखारी चौपड़ लगा। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर ने एक बंदा देखे आए बैतुल्ला दा हज करने वास्ते आ रहे आए ते बंदा जेड़ा अपने पैरां नू कसीड़दा पिया अपने दोनों हाथ अपने बेटियां दे कंधियां ते रखे ने पांव पा कसीड़दा है। ऊंट भी ओदा नाल पैदल चलदा जा रहा खाली ऊंट है। हजरत फरमांदे ने बाबे नू की गल है? बच्चियां ने कह दिता हजरत जी इन्हें नजर मन्नी है मैं बैतुल्ला दा पैदल जाके तवाफ करांगा। अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर दी ए पैदल टुरदा टुरदा थक गया है हुन बच्चियां दे कंधियां दे सारे हुन घसीड़ के पांव नू पिया चलदा है ते सोने पैगंबर फरमांदे ने जरा मेरे पैगंबर दे फरमान ते गौर करया जे। आका फरमांदे ने एदी की वजह दो सवारी जो कोल मौजूद है फिर सवारी ते कोनी सवार हुंदा। फरमाया एनू कह दियो सवारी ते सवार हो जाए। अल्लाह पाक नू एहो जे तकल्लफात दी जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद विच आउंदा प्यारे पैगंबर फरमांदे ने अपने आप नू जान बुझ के तकलीफ अंदर ना डालो मुशक्कत अंदर ना डालो। अपने आप नू मुशक्कत अंदर डालन तो मेरे पैगंबर ने मना कर दिता है। जदों अल्लाह सहूलतां देवे सहूलत अपनावो। हजरात जदों जुतियां मौजूद ने फिर जान बुझ के नंगी पैरी चलना शरीयत दी खिलाफ वर्जी है। बर्तनां नू जान बुझ के उल्टियां कर देना शरीयत दी खिलाफ वर्जी है। दसना की चाहना वा कि एहतराम मुहर्रम दा करो पर एहतराम दे बहाने बिदात ईजाद ना करो। एक मन घड़त रवायत बयान की जाती है जेड़ा बंदा 9-10 मुहर्रम नू देगा पका के वन सवन्ना खाना पका के आल औलाद नू खुआएगा अल्लाह नू रिज़्क देगा बरकत देगा। मन घड़त रवायत। चलो मेरी बात छोड़ो। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ यारवी वाले पीर उन्हां दी किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़ो। अशूरे दा बाब कट के देखो उन्होंने इस रवायत की कितनी तरदीद की है। वो कहते मन खड़त रवायत है। नबी अलैहिस्सलाम कहन के 9-10 दा रोजा रखो। साडे मुसलमानां दे नहीं देगा पका के वंडो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। करने हजरात जेड़ी बात मैं अर्ज करना उहदे ते तवज्जो फरमांदे जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ते फरमान आप दा फरमान ते वे 9-10 दा रोजा रखो। लेकिन अजकल दे मुसलमाना ने बड़ा मैनू अफसोस हुंदा है। चलो कईयां लोकां ने ते एदे अंदर मुबालगा कीता ही कीता सी लेकिन अफसोस ते मैनू अपने मुसलमाना ते आउंदा है। सुनिया ते अफसोस हुंदा है अपने आप नू अहले सुन्नत कहलान वाले लेकिन मुतासर शिया तो हो गए। नाम अहले सुन्नत दा भी सुन्नत अमल करने आ ते तासर शियां दा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अर्ज कर रहे हैं अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर ने ते फरमाया है 9-10 दा रोजा रखो ते थे देगा पका के तकसीम हो रही ने किते हजरत इमाम हुसैन दे नाम दियां सबीलां पईयां लगदियां ने। और कईयां ते कई ऐसे साडे मुसलमान ने जेड़े अपने आप बच्चियां नू बरकत दे तौर ते जाके उन्हां दे घोड़े दे थल्लेों भी गुजार रहे ने। एहतराम हो रहा एहतराम दी आड़ अंदर अल्लाह तो दे पैगंबर दी ना फरमानी शरीयत नू गवारा नहीं। तो अर्ज कर रहे एहतराम करो बिदात ना करो रसूमात ना फैलाओ। पहली बात है वे के नू सोग दा महीना बनाना। सो की है सो कहंदे ने अपनी मुजय्यन हालत नू बदलना। सोग दा माना अरबी जबान में लफ्ज़ इहदाद है। इहदाद दा माना अपनी मुजय्यन हालत नू तब्दील करना गम दी हालत अंदर जीनत नू तरक करना इनू कहंदे ने सोग। ते शरीयत दा मुतालिया करके देख लो उलमा तो पुछ के देख लो सोग मर्द वास्ते है ही नहीं सिर्फ औरत वास्ते। वो भी किन्ने दिन मैं अर्ज करना बुखारी किताब तलाक बुखारी बेच आए अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने फरमाया किसी मोमिना औरत दे वास्ते जायज नहीं मोमिना औरत दे वास्ते जायज ही नहीं कि किसी मैयत दे उत्ते तिन्ना दिना तो ज्यादा शोक मनाए सिवाय अपने खामद दी मैयत दे। सिर्फ खामद दी फौतगी ते 4 महीने 10 दिन शोक मना सकदी है। एदे तो इलावा बाप फौत होया है, बेटा फौत होया है, भरा फौत होया है, कोई भी रिश्तेदार फौत होया है। प्यारे पैगंबर फरमांदे ने तिना दिना तो ज्यादा कोई मोमन औरत देते शोक ना मनावे। शोक कहंदे ने मेरे पैगंबर ने शोक दी तारीफ भी कीती है। आप फरमांदे ने शोक वाली औरत जड़ी है मसबूक कपड़े ना पहने। मसबूक कपड़े ओनू कहंदे ने एक कपड़ा हुंदा है सफेद तंद नाल बुनिया जांदा है सफेद धागे नाल कोरा कपड़ा ओदे तो बाद ओनू डाई कीता जांदा है प्रिंट कीता जांदा है ओदी शाइनिंग ज्यादा हुंदी है। एक कपड़ा हुंदा है ओदा धागा पहलो रंग के फिर ओनू बुनदे ने ओदी इनी शाइनिंग नहीं हुंदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदी शाइनिंग नहीं डिम कपड़ा शोक वाली औरत पहने शोक कपड़ा ना पहने। यानी उड़ा धागा रंग के कपड़ा बुनिया जाता है वह बनाए यानी ये तो मुराद ये सी शाइनिंग वाला शोक कपड़ा शोक वाली औरत ना पहने अगर पहने तो उतार दे बदल ले। इस तरह मेरे पैगंबर फरमांदे ने शोक वाली औरत सुरमा ना पावे शोक वाली औरत जड़ी सेवर ना पहने शोक वाली औरत पाजेबा ना पावे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने शोक वाली औरत सरकार फरमांदे ने शोक वाली औरत जड़ी है मेरे पैगंबर ने सेबो सीनत तरक करन दा आर्डर दिता है। सेबो सीनत नू तरक कर देवे तो मेरी ओपे नू पता चलिया सेबो सीनत दे तरक करन दा नाम शोक है और शोक सिर्फ औरत दे वास्ते वे मर्द वास्ते है ही नहीं क्योंकि नबी पाक ने औरत को हुक्म दिता है। मर्द वास्ते शोक की हालत बनाना 1 मिनट वास्ते भी जायज नहीं। कसरत मता को फौतगी हो गई है ते कपड़े कुपड़े ला के जाके पुराने पावे नहीं जिस हालत में है उस हालत में ठीक है। हुण पता चलिया कि शोक जेड़ा है ये औरत दे वास्ते वे मर्द दे वास्ते नहीं। औरत दे वास्ते भी ज्यादा तो ज्यादा 3 दिन ने मुखामत दी मैयत ते 4 महीने 10 दिन एदे तो इलावा बाकी मैयतां दे उत्ते सिर्फ 3 दिन ने। 3 दिनां तो ज्यादा शोक मनान तो मेरे पैगंबर ने मना कर दिता है। मैं पूछना वा क्या हजरत इमाम हुसैन नू शहीद होया जे 3 दिन नहीं होए क्या अजे 3 दिन नहीं होए शहीद होया ते शोक आदा 3 दिन उत्ते ते शोक जायज ही नहीं। अल्लाहु अकबर 3 दिनां तो ते शोक जायज ही नहीं। हजरत इमाम हुसैन दा फिर शोक किवें मनाया जांदा है। मुहर्रम शोक वाला महीना क्यों बना दिता गया जबकि उन्हां नूं शहीद होया ते 1400 साल तो भी ज्यादा हो गए ने। हुण उन्हां दा शोक मर्द वास्ते ते है ही नहीं ते औरतां नूं भी मनाना जायज नहीं क्योंकि 3 दिनां तो उत्ते मुद्दत गुजर गई है। कतई तौर ते शोक बनाना जायज ही नहीं। मुहर्रम हराम दे एहतराम दी यार अंदर एनू शोक दा महीना बना दिता गया ते शादियां ब्याहां नू हराम कर दिता गया। मैं तो बड़े अफसोस ना कहना हुन्ना ओशियां ने ते करना ही करना सी। अफसोस साडे मुसलमान दूजे भाई भी उन्हां दे प्रोपेगेंडे तो मुतासर हो गए। मरना शादी नहीं करनी मुहर्रम तो पहले देख लो इतना रश ही अड्डियां ते चले जाओ सवारियां नहीं सन मिल रही बड़ा जोर शादियां दा की होया भाई भाई मुहर्रम आ रहे उस तो पहले शादी कर लो। मुहर्रम आए नाल शादियां बंद ओना ते करनियां सी। मेरी मां भैनों जितनियां सुनना ही आओ अल्लाह तनु ईमानी दौलत ना माला माल करे। दुनिया की दौलत ते जड़े मुकद्दरा लिखी है मिली जानी है लेकिन सब तो ज्यादा खुशी उदों मनाया करो जदों तुहाडे वास्ते ईमानी दौलत की दुआ होवे। अल्लाह इमाम की दौलत ना माला माल करे। मेरी ओ भैनों अपने अपने घर के अंदर तहरीक चलाओ रिश्तेदारां दे तहरीक चलाओ कि या तो शरीयत विचों साबित करो कि मुहरमा में शादी मना ते जे मना नहीं असी फिर क्यों अपने आप को मना कर लिया, क्यों रोक लिया, जबकि अल्लाह का कुरान की कहना सूरत नूर पढ़ो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने वा अल्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इयकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक दे कुरान ने बयान कर दिता है, फरमाया जेड़े तुहाडे चो गैर शादी शुदा ने उन्हां दियां शादियां कर देवो। हुण अल्लाह ने मुतलक हुक्म दिता है, ए नहीं आख्या कि मरहमा तो इलावा शादियां करो। अल्लाह ने जनरल हुक्म देता, फरमाया शादियां करो, जिन्हां दियां शादियां नहीं व्याह करो ना। शायद किसी मेरी भैन या भाई के दिल में ख्याल गुजरे इना जोर क्यों दे रहा है, सुनो मैं जोर क्यों दे रहा। हुण मैं तिरमिज़ी दी हदीस पढ़न लगा। हजरत अदी बिन हातम ताई रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक दी खिदमत में कलमा पढ़न वास्ते आ जांदे ने। इन्हां दे गले अंदर चांदी दी सलीब है। फरमा दी आ तेरे गले में बुत नूं उतार। हजरत अदी ने बुत नूं उतारिया, सलीब उतारी। जिमें अजकल साढ़े भैन कई बच्चियां कई बच्चे बड़े शौक न टी पाते हैं, टी का लाकड़ गल च पाते हैं। ये टी का लाकड़ सलीब जे नबी पाक ने बुत क्या जे बुत्तां दे पुजारी हो, बुत्तां दे पुजारी ना बनो, दफा करो हो जा लाकटां नूं। हजरान अर्ज कर रहे अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर फरमांदे ने ऐ बुत उतार दे, उतार दिता। सोने पैगंबर फरमाते ने आदि कुराने पाक दी आयत मेरे पैगंबर पढ़ते ने, फरमाया इत्तखदू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह पाक दे कुरान ने बयान कर दिता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने उन्हां यहूदियां ते ईसाइयां ने अपने मौलवियां ते पीरां नूं अल्लाह तो इलावा रब बना लिया। फिर इमाम कायनात ने नाल ही वजाहत फरमाती, फरमाया अदी एदा मतलब यह नहीं कि रब तो इलावा वो दूजे नूं सजदा करदे सन। एदा मतलब यह है कि अल्लाह तो इलावा उन्हां दे मौलवी पीर अल्लाह दी हलाल चीज नूं हराम कहिंदे ते ओह इह वी कहदे ने सर हराम है, ते जिहड़ी चीज नूं अल्लाह हराम करदा इन्हां दे मौलवी कहिंदे हलाल है, इह वी कहंदे सर हलाल है। यानी अल्लाह दी हलाल चीज़ां नूं हराम, हराम चीज़ां नूं हलाल। इन्हां दे मौलवियां इन्हां दे पीरां ने क्या जिस वेले इह क्या अल्लाह पाक ने फरमा दिता इन्हां अपने मौलवियां ते पीरां नूं रब अल्लाह तो इलावा रब मना लिया। एदा मतलब एदा अल्लाह तो दे नबी दे मुकाबले दूसरियां दी बात मन्ने ओनू अपना रब बना रहा है। जदों अल्लाह तो दे नबी ने मना नहीं किया, हराम नहीं किया मरमां दे शादियां करन तो, असी फिर इन्हां मलंगां दे कहण ते हराम कर लईआं, मलंगां नू रब बना लिया। इस गैर शरी रबूबियत दा बुत तोड़ो। मेरी भैणों, मेरी मां, मेरे भाइयों, मुसलमाना ते मोमना दी हर दौर अंदर ड्यूटी रही है बातल दा तोड़ करे। अपने रिश्तेदारां दे अपने अहलो याल दे तहरीक चलाओ, शादियां दा जोर रखो मरमां च, कोशिश करो अगे पिछे सौ दिन घट रखो, मरमां वे बहुता रखो, ताकि बुत जिहड़ा गैर अल्लाह दी रबूबियत वाला टुटे। जदों अल्लाह ते ओहदे नबी हराम नहीं कीता, मलंगां ने कहंदे हराम फिर मनहूस कहना, नऊज़ बिल्लाह। और जरा मर्ज करा मेरे ते तुहाडे वास्ते नमूना कौन ने कुरान ने कह दिता है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा पैगंबर तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना। नबी पाक नमूना ने ते नबी पाक ने मुहर्रम में शादी की हज़रत सफिया नाल। मेरी मां ते भैनों मैनू दसो असी कलमा नबी पाक दा पढ़ के ते मरमा वे शादी ने मनहूस कह कह के नऊज़ बिल्लाह दा मतलब नबी पाक दी शादी सफिया ना मनहूस है। जरा सोचो तो सही, इतना शिया दे प्रोपेगेंडे तो तुसी मुतासर हो चुके हो। आज दे मेरे बयान अगर कुरान दी इसनू तुसी मनन वालियां जे मनन वाले जे तो फिर इजहार करो, इस बुत नू तोड़ो, तहरीक चलाओ, शादियां मुहर्रमा में ज्यादा से ज्यादा करो। तारीख तबरी पढ़ के देखो, हसन सनद दे नाल रवायत मौजूद। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे महबूब पैगंबर ने मेरे प्यारे पैगंबर ने 7 हिजरी दे शुरू अंदर, हिजरी दा पहला महीना केड़ा है इस्लामी हिजरी दा मुहर्रम, ते नाले जेड़े हजरत उमर नू गालियां कढ़ना ने किसे ले इन्हां नू सवाल ते करया करो, हुण पुछया करो कि इस्लामी सन दा पहला महीना मुहर्रम मुकर्रर किवें कीता है। ये हजरत उमर ने कीता जिस 17 हिजरी 17 हिजरी विच हजरत उमर ने कहा सी कि इस्लामी सन दा पहला महीना मुहर्रम होएगा। क्यों? मुहर्रम विच अल्लाह पाक दे पैगंबर ने हिजरत कीती है, सोने पैगंबर ने हिजरत कीती है मुहर्रम दे अंदर। और मेरे पैगंबर दी पहली जिंदगी मक्की जिंदगी है, दूसरी मक्की मदनी जिंदगी है। फरमाया आका दी नवी जिंदगी दा आगाज मुहर्रम तो होया है, असी भी साल दा आगाज मुहर्रम तो करांगे। आका दी नवी जिंदगी दा आगाज मुहर्रम तो, साढ़े नवे साल दा आगाज मुहर्रम तो होवेगा। हजरत उमर ने पहला महीना इस्लामी साल दा मुहर्रम मुकर्रर कीता। अज उसे उमर नू गालियां कढ़दे ने, उसे उमर दा मुकर्रर कीता महीना ओदी इतराम करन दे ने, इतराम नहीं बिदात करन दे ने, इतराम दा नाम लैके। बात कर रहे हैं अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मुहर्रम दे शुरू दे अंदर, 7 हिजरी दे शुरू दे अंदर मुहर्रमा दे महीने खैबर ते चढ़ाई करदे ने। जिस वेले खैबर ते चढ़ाई कीती है मेरे पैगंबर ने, खैबर दे किले फतह हो जांदे ने, क्योंकि उन्हां ने छेड़खानी कीती सी। अल्लाह पाक दे कुरान ने भी कह दिता है, कुरान ने कह दिता। अल्लाह पाक फरमांदे ने अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हराम। अल्लाह पाक दे कुरान ने कह दिता है सोनिया हुरमत वाले महीनिया दे बदले हुरमत वाले महीने ने, यानी अगर काफर हुरमत वाले महीनिया वे लड़न ते तुसी भी लड़ो, जायद है, इब्तदा नहीं करनी, अलबत्ता जे छेड़खानी करन ते लड़ना जायद है। प्यारे पैगंबर ने हुरमत वाले महीने विच यहूदियां दी खद्दारी दी वजह तो चढ़ाई कर दिती, सारे किले फतह हो गए, एक किला नाइम ये रह गया। किला नाइम केड़ा है? किला नाइम दा सरदार किनाना बिन अबी हुकैक। और किनाना बिन अबी हुकैक कौन है? हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अनहा दा पहला खामत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अनहा दा पहला खामद। हजरत सफिया दा बाप हुश बिन अख्तब ए बनु नज़ीर कबीले दा सरदार है। जदों मेरे पैगंबर ने खैबर तो पहला बनु नज़ीर कबीले ते हमला कीता है, और हजरत सफिया दा बाप इन्हें जल्दी ना पता चल गया मुहम्मद फौजा लैके आ गए ने सल्लम। इन्हें गाय दी खल मंगवाई, खल दे उत्ते दिरमो दिनार रखे, चांदी दे दिरम सोने दे दिनार, जिन्ना नकदी माल सी रखिया ओनू बंद करके सलाई करके लै गया, चुक के बाल बच्चा लैके खैबर चला गया। किनाना ना जाके अपनी बेटी की शादी की, जहेज अंदर सारा माल देता, लै किनाना आप फिर निकल गया। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर ने जो खैबर के सारे किले फतेह कर लेने, किला नायम दी वारी आ जाती है। हजरत सफिया दा साबका खामद किनाना बेनबी हो के मेरे पैगंबर दे कोल आ जांदा है। आके कहंदा सोनिया असी ताना लड़ना नहीं चाहते, बगैर लड़ाई तो चले जाने आ, लेकिन साड़ियां कोई शर्तां ने। केड़ियां शर्तां ने? पहली शर्त है वे कि जितनी भी फौज है किले दे अंदर इनू कतल ना कीता जाए, फरमा मंजूर। दूजी शर्त है वे साड़ियां औरतां ते बच्चियां नू गुलाम ते लौंडियां ना बनाया जाए, फरमाया मंजूर। तीजी शर्त है वे चूंकि खैबर दा इलाका कपड़े दा बड़ा इलाका सी, संती इलाका, कपड़ा बड़ा बनदा सी। हजरत जी साडे कोल कपड़े थाना दे थान पे ने, इजाजत देवो कि साडे बंदे जिन्ना भी कपड़ा अपनी पुशत ते चोके ले जावन, इजाजत दे दो ले जाइए ते बाकी माल तुहाडा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने हां ए भी तुहाडी शर्त मंजूर है, जिन्ना माल ले जाना चाहो चुक सको ले जाओ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, धोखा ना करना, चोरी ना करना, माल किते छुपाना ना, बाकी माल सार रहन देना। कहंदा बिल्कुल। फरमाया जे तुसा माल छुपाया ते अल्लाह ते ओदा नबी अपने मुआदे तो बरी होवेगा। कहन लगा ठीक। थोड़ी देर गुजरी ते किनाना दे चाचे दा बेटा आके मुखबरी करदा है, कहंदा जनाब मेरे कहंदा जनाब किनाना ने एदू सोहरे वल्लों जड़ी ओ थैली मिली सी, खजाना मिलिया सी, गाय दी खल मिली सी, नकदी दिरमो दिनार दी। हजरत जी ओ फलाने टीले दे पीछे गड़ा खोद के दब आया है। नबी पाक ने किनाना नु बुलाया, तू को माल छुपाया ते नहीं? कहंदा नहीं। फरमाया फिर सोच लै। कहंदा नहीं। हबीबे खुदा फरमांदे ने अजे भी सोच लै, जे तू माल अगर कोई छुपाया तेनू कतल कर दिता जाएगा, तेरे भाई नु कतल कीता जाएगा, फौज कतल कीती जाएगी, बेटियां बच्चे गुलाम ते लौड़ियां बनाए जाएंगे। कहंदा बिल्कुल ठीक है, मैं छुपाया ही नहीं। फरमाया देख लै, तू हुण इस बात दा इतराफ कर लिया कि एक सारे काम होने मंजूर ने, जाओ भईओ जाके खल पुट के लियाओ। खल पुट के लिया। इमाम कायनात फरमांदे ने देख ले, तू धोखे दा निकलिया है, तू चोरी कीती है, माल छुपाया साडे तो, लिहाजा अल्लाह ते ओदा नबी अपने मुआदे तो बरी है। मेरे पैगंबर ने हजरत मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला इन्हां नू बुलाया है। आप फरमांदे ने ए प्यारे इब्ने मसलमा, इनू किनाना नू पकड़ना ते जाके कतल कर। मुहम्मद बिन मसलमा नू क्यों किया, किसी होर नू क्यों नहीं किया? इहदी इक वजह सी, थोड़ी देर पहले मुहम्मद बिन मसलमा दा भाई, मुहम्मद बिन मसलमा दा भाई गर्मी तो डरदे इसे किले दी दीवार दे नाल छाए थले आके बैठा। इस बेईमान ने उत्तों चक्की दा पार्ट सट के हजरत महमूद बिन मसलमा नू शहीद कर दिता। नबी पाक ने फरमाया अपने भरा दे कातल नू कतल करके ठंड पाला सी ने कतल कर दिता। लड़ाके फौजियां नू कतल कर दिता जांदा है। अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर दे आर्डर दे नाल इन्हां दे बच्चे बीबियां गुलाम ते लौंडियां बना ले गए। हजरत सफिया भी लौंडियां विच आई। थोड़ी देर लंघी, हजरत दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला आए। हजरत दहिया कलबी, ये ओ दहिया कलबी ने जिन्हां दे बारे मशहूर है वे, उन्हां ने अपनियां 70 बेटियां जिंदा दबियां सन और एक बेटी जदों सफर ते चले सन ते इन्हां दी बीवी उम्मीद अंदर ते कह गए जे बच्ची होई ते मार दी, बच्चा होया ते ना मारी। खैर इन्हां दे आम तक बच्ची होई, मां ने ना मारी, इहदी बीवी ने बच्ची ना मारी। फिर इन्हें आप गड़ा खोद के दफन किया। इन्हां दे वाल रवायत मनसूब की जाती है, लेकिन रवायत सही नहीं। सुनत दारमी विच आउंदी है पहले बाप जी, लेकिन रवायत सही नहीं। इहनूं बयान करना कोई सहाबी रसूल नहीं, बल्कि इहनूं बयान करन वाला नबी पाक दी वफात तो 169 साल बाद पैदा होने वाला वजीन में अतार आवी है। उन्हें वाकया बयान किया, आप ही फैसला कर लिया जे ठीक है कि गलत है। फिर जे ठीक हुंदा ते सहाबी बयान करदा, सहाबी किसी ने बयान नहीं किया। वाकया 169 साल बाद जड़ा पैदा होया उन्हें बयान किया। उन्होंने गायब हो गया सी कि वही आ गई सी। अल्लाहू अकबर। हजरत दहिया कलबी बड़ी अजीम शान वाले है। हजरत जिबरील इन्हां दी शक्ल विच नबी पाक कोल हाज़र हुंदे तो आए, कहंदे या हज़रत मैनूं कोई लौंडी दे दिओ। फरमाया आ लौंडियां दी जिहड़ा दिल करदा लै लै। इहने हज़रत सफिया दा सब तो खूबसूरत सफिया सी, हथ फड़िया चलिया। एक बंदा नबी पाक कोल आया, कहंदा अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब पैगंबर जी हजरत जी एते गल फब्बी ने हजरत जी सरदार दी बेटी सरदार नू फब्बदी है, यानी एदे तो लवो आप कबूल करो। अच्छा लियाओ देहिया भाई ए वापस कर दे। फिर नबी पाक ने हजरत देहिया नू हजरत सफिया दी नंद किनाना दी भैन ओ देती फरमातुआ लै जा। हजरत सफिया नू मेरे पैगंबर दे पेश कर दिता जांदा है। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदे सामने इस्लाम पेश कीता है। हजरत सफिया बड़ी धना बीबी है, इस्लाम दियां खूबियां तो आशना हुंदी है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदी है। मेरे पैगंबर ने नू आजाद कर दिता, आजाद करके निकाह कर लिया। एक इत्थे दिल विच शायद अज नहीं कल नहीं परसों एक इश्काल पैदा हो दे कि नबी पाक ने इद्दत पूरी ना होने दिती, निकाह फौरन कर लिया। हां एदा जवाब सुनो, जेड़ी बीबी नू खामत तलाक देवे ओदी इद्दत 3 तोहर 3 महीने। जेड़ी बीबी दावा करके खुद तलाक लवे, जिन्नू तनसीखे निकाह कहंदे ने, खुला कहंदे ने, खुद दावा करके तलाक लवे ओदी इद्दत और लौंडी दी इद्दत 1 तोहर हुंदी, 1 तोहर दी इद्दत है। खैर हजरत सफिया रजी अल्लाहु तआला अन्हा दी इद्दत जिस वेले लौंडी बंदियां ने ते उसे वेले ना ते दिन आ जांदे ने। मखसूस अयाम आ गए जिन्हां दिनां दे नमाज माफ हुंदी है, मखसूस अयाम आंदे ने ते इन्हां दी इद्दत पूरी हो जांदी है। हजरत ने इन्हां ने का कर लिया है, दौरान सफर इन्हां ने गुसल कीता ते इन्हां नू तैयार करके दुल्हन बना के हजरत उम्मे सुलैम ने मेरे पैगंबर दे पेश कर दिता है। सुबह मेरे पैगंबर ने वलीमा भी कीता ते दसना की चाहना वा मेरे पैगंबर ने हजरत सफिया दे नाल शादी भी मुहर्रम दे कीती है। मेरे पैगंबर ने रुखसती भी मुहर्रम दे कीती है, वलीमा भी मेरे आका ने मुहर्रम दे कीता है। ते जदों मेरे पैगंबर दी शादी मुहर्रमा दे जैदे साडियां हराम किवें हो गईयां मलंगां दे कहण ते, मौलवियों के कहने ते, पीरां के कहने ते हराम हो गई। मुसलमानों मेरे तुहाडे वास्ते हुज्जत ते दलील अल्लाह दा कुरान ते नबी दा फरमान है। ये तहरीक नू आम करो। एक बात और बयान करके गल मुका दिया। अज मैं रस्ते आ रहा ते कब्रस्तान भरे पे सन, बड़े कब्रस्तान मिट्टी लोकी पांडे